सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ड। दोस्तों, गूगल फॉर्म्स के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप गूगल फॉर्म्स की प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे मैच द कॉलम क्वेश्चन क्रिएट करना है, कैसे करेक्ट आंसर चूज करना है, कैसे पॉइंट वैल्यू फिल करनी है, कैसे स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, कैसे स्टूडेंट्स को लिंक सेंड करना है एंड कैसे स्टूडेंट्स लिंक को रिस्पॉन्ड करेंगे। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है drive.google.com, उसके बाद अब्लीग फॉर्म्स forms, आफ्टर दैट एंटर करना है। आप गूगल ड्राइव के थ्रू भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट गूगल फॉर्म ओपन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट गूगल फॉर्म भी ओपन कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ही गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर को नेम देना है। जो भी आप यहाँ पे नेम राइट करोगे उसी नेम से गूगल ड्राइव में आपका क्वेश्चन पेपर सेव हो जाएगा। दोस्तों, नेम चेंज करने के बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप ईमेल आईडी कंपलसरी करना चाहते हो तो आपने यहाँ कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप इसे लीव भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है प्रेजेंटेशन की। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शफल क्वेश्चन ऑर्डर। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो सभी क्वेश्चन की शफलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है क्विज की। जैसे आप क्विज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी मेक दिस क्विज, तो आपने यहाँ मेक दिस क्विज को ऑन कर देना है। एंड अगर आप साथ में आंसर की ऐड करना चाहते हो एंड ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पेपर चेक हो जाएगा, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हेडिंग में आपने स्कूल का नेम राइट करना है, डिस्क्रिप्शन में आपने सब्जेक्ट नेम एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आएगी अनटाइटल्ड क्वेश्चन की, आपने यहाँ पे क्लिक करके नेम ऑफ द स्टूडेंट राइट करना है एंड इसे कन्वर्ट कर देना है शॉर्ट आंसर में। और दोस्तों, ऐसे आपने एक और कॉपी क्रिएट करनी है जिसमें आपने लिखना है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ऐसे आपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कॉलम्स ऐड कर लेने हैं। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं मैच द कॉलम क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं। तो आपने यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। ऐड क्वेश्चन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन राइट करने की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ पे राइट करना है मैच द फॉलोइंग। राइट करने के बाद आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है। मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी मल्टीपल चॉइस ग्रिड एंड टिक ग्रिड की, तो आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस ग्रिड को। मल्टीपल चॉइस ग्रिड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है रोज एंड कॉलम्स। पहले आपने रोज को फिल करना है। जैसे हम रोज को फिल करेंगे स्कूल एंड सेकेंड ऑप्शन में हम लिखेंगे डॉक्टर, थर्ड ऑप्शन में आप कार, वाइल, लाइट। दोस्तों, रोज ऐड करने के बाद आपने कॉलम्स ऐड करने हैं। कॉलम्स में जैसे यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन से राइट कर रहा हूँ जिसके साथ मैच करना है। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैंने सभी कॉलम्स ऐड कर दिए हैं जिसके साथ रोज को मैच करना है। अगर आप इसे रिक्वायर्ड करना चाहते हो तो आपने यहाँ रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपने सेटिंग में क्विज को ऑन किया तो आपके पास यहाँ पे ऐड की एंड पॉइंट की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ ऐड की एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करने हैं। जैसे आपने स्कूल के सामने की ऑप्शन को राइट ऑप्शन चूज करनी है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन को आपने राइट चूज करना है। दोस्तों, ऐसे आपने यहाँ सभी राइट आंसर को चूज करना है। दोस्तों, राइट आंसर चूज करने के बाद आपने सामने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स एंड सेकंड क्वेश्चन के भी 2 पॉइंट्स, सभी आंसर्स के में, सभी क्वेश्चंस के मैं 2 पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर एंड पॉइंट्स ऐड करने के बाद आपने डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया। दोस्तों, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा उसके बाद आपने रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स शो होगा, जो भी स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स देंगे, जो भी स्टूडेंट आंसर सबमिट करेंगे। अगर आप स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाहते हो तो आपने यहाँ क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है एंड आप स्प्रेडशीट का यहाँ पर नेम भी चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी स्प्रेडशीट एग्जिस्टिंग है तो आप किसी अदर स्प्रेडशीट के साथ इस शीट को कंबाइन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे ईमेल आईडी चूज करने की ऑप्शन आएगी, अगर आपके फ़ोन में मोर देन वन ईमेल आईडी लॉगिन है।
तो जैसे ही आप ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों आपको सभी स्टूडेंट्स का एक ही शीट पे सारा डाटा शो हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको डेट एंड टाइम शो होगा जब भी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके नेक्स्ट कॉलम में स्कोर शो होगा, नेक्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड अगर आप यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैच द कॉलम के सभी रिजल्ट शो होंगे। एंड दोस्तों फिर से उसी टाइम में रीच करने के लिए आपने बैक पे क्लिक करना है। जैसे आप बैक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने क्रोम को चूज करना है, आप फिर से सेम टैब में रीच कर जाओगे। स्टूडेंट को फॉर्म सेंड करने के लिए आपने सेंड पे क्लिक करना है। आप यहाँ ईमेल आईडी फिल करके भी स्टूडेंट को फॉर्म सेंड कर सकते हो, एंड अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू फॉर्म सेंड करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी फॉर्म सेंड कर सकते हो, एंड अगर आप यूआरएल को शॉर्ट करना चाहते हो आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, एंड आप दोस्तों उसके बाद आपने व्हाट्सएप का ओपन करना है एंड ग्रुप में सेंड कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ तो आपने लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है, थोड़ी देर के लिए वेट करनी है, उसके बाद लिंक प्रॉपरली क्रिएट हो जाएगा। जैसे लिंक प्रॉपरली क्रिएट हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट स्कूल का नेम एंड एंड सब्जेक्ट नेम भी शो होगा, उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। दोस्तों अभी मैं एज ए स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करूंगा। जैसे स्टूडेंट लिंक पे क्लिक करेगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद ब्राउजर चूज करने की ऑप्शन आएगी, तो स्टूडेंट ने क्रोम ब्राउजर ही चूज करना है। अगर कोई अदर ब्राउजर चूज करेगा तो फॉर्म प्रॉपरली सबमिट नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे स्कूल का नेम एंड सब्जेक्ट शो हो गया, एंड टॉप पे शो हो गया मैच द फॉलोइंग, एंड बॉटम पे शो हो रहा है नेम ऑफ द स्टूडेंट। दोस्तों नेम ऑफ द स्टूडेंट इसलिए बॉटम पे शो हो रहा है क्योंकि हमने वहां पे शफलिंग की ऑप्शन को ऑन किया था। तो पहले हम नेम फिल करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट ने जैसे स्कूल के सामने जो भी ऑप्शन शो हो रही है तो स्टूडेंट ने यहाँ फिंगर से मूव करना है। फिंगर से मूव करने के बाद स्टूडेंट ने ऑप्शंस क्लिक करनी है, जैसे डॉक्टर के सामने पेशेंट। दोस्तों सभी ऑप्शन को टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। योर रिस्पॉन्स हैड बीन रिकॉर्डेड एंड व्यू स्कोर पे क्लिक करेगा जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के पास यहाँ पे स्कोर शो हो जाएगा, एंड दूसरी तरफ टीचर के पास भी रिस्पॉन्स शो हो गया। यहाँ पे समरी शो हो जाएगी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिस्पॉन्स शो हो जाएगा, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। जैसे जितने भी स्टूडेंट होंगे वहाँ यहाँ पे शो होगा 1 of 20, 30 जितने भी स्टूडेंट होंगे, तो टीचर यहाँ पे क्लिक करके ईच स्टूडेंट का रिस्पॉन्ड सेपरेटली देख सकता है। एंड जैसे ही टीचर यहाँ पे स्प्रेडशीट पे क्लिक करेगा तो स्प्रेडशीट में भी सभी स्टूडेंट्स का स्कोर शो हो जाएगा जो हमने स्प्रेडशीट क्रिएट की थी। दोस्तों यहाँ पे स्प्रेडशीट में स्टूडेंट का डाटा शो हो गया कि कब फॉर्म सबमिट किया, कितने स्कोर्स हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन शो हो रही हैं, एंड अगर टीचर यहाँ पे मैनुअली कुछ राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली भी चेंजेस कर सकता है। दोस्तों अगर आपकी गूगल फॉर्म्स के थ्रू क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।